प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भरे और आपका जीवन एक आशीषित और अनुग्रहित जीवन बने। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज का ये भोर परमेश्वर ने आपको दिया है और आप इसमें आनंदित होंगे? विश्वास, हम एक राज कर्मचारी के विश्वास को देख रहे थे। विश्वास, इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा है, 11 अध्याय अगर हम उसको पढ़ें, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आशा, जिस बात के लिए आप आशा कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन आप विश्वास की आंखों से उसे देख पा रहे हैं। अगर उसी 11 अध्याय 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको सबसे पहले यह विश्वास करना है यह परमेश्वर का वचन है। आपको यह विश्वास करना है इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में अद्भुत करने की क्षमता है। यह वचन दूरी तक पहुंच सकता है और बिना उद्देश्य को पूरा किए वापस नहीं लौटता। जब यह विश्वास करेंगे तो वो विश्वास हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू होगा। एक विश्वासी वो है जो ना तो अपनी शारीरिक आंखों से देखता है और ना शारीरिक कानों से सुनता है, परंतु विश्वास उसे कुछ और बातों को जो उसको दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, उसे देखने में और सुनने में मदद करती है। यीशु मसीह ने थोमा, जो यीशु का चेला है, जो हमेशा एक डाउटिंग, संदेह करने वाला है, उसको यीशु ने यही कहा। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय को पढ़ेंगे, जब यीशु उस कमरे के अंदर आए तो थोमा को उन्होंने कहा कि आ और अपनी उंगली मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा घबरा गया। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है। तो यीशु कहते हैं, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। थोमा हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि जब वो परिस्थिति कुछ बातों को सोचता है तो उसे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान भी नजर आता है और वो वही बोलता है जो उसने आंखों से देखा है और कानों से सुना है। लेकिन विश्वास वो है जो हमने नहीं देखा और जो हमने नहीं सुना, लेकिन हम अपना भरोसा उस परमेश्वर पर कर ये कहते हैं, मेरे लिए प्रभु ऐसा करेगा जो मैंने नहीं देखा। बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, पहले राजाओं की पुस्तक में जब आप आएंगे, हम एलिशा के बारे में देखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम उस घटना को देखते हैं कि एलिशा और उसका दास दोतान नामक जगह में है और वहां आराम की सेना उन्हें सत्यानाश करने के लिए रात को आकर नगर को घेर लेती है। और जब सुबह होती है तो एलिशा का जो टहलुआ है, यानी उसका दास है, वो बाहर निकलकर क्या देखता है, घोड़े और रथ समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। दूसरे राजा 6 अध्याय उसके 15 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पढ़ते हैं उसके सेवक ने एलिशा से आकर कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, हाय मेरे स्वामी, जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, जिसकी आत्मिक कान खुले नहीं है, वो परिस्थितियों की गंभीरता को देखकर हाय हाय करने लगता है। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुली भी हैं, जिनके आत्मिक आंख और कान खुले हैं, वो समस्याओं को देखकर हाय हाय नहीं करते, लेकिन वो समस्याओं को देखकर भी जय जय करते हैं, क्योंकि वो उन बातों को देखते हैं जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। विश्वास आपको कुछ दिखाता है जो और नहीं देख पाते। विश्वास वो पुल है
जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देता है और उन अलौकिक कामों को आप तक लेकर आ जाता है और आपको दिखाना प्रारंभ करता है। और देखिए एलिशा क्या कह रहा है, एलिशा कोई घबराया नहीं। एलिशा कहता है कि तू क्यों परेशान है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। वाह, कितना कितना अजीब सा लगता होगा उस भक्त को, उस दास को, जब उसने सुना, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखकर आया है आराम की सेना को, उनके रथों को, उनके घोड़ों को, उनकी नंगी तलवारों को, उनके भालों को। उससे पूछो उनके कपड़े का रंग क्या है तो वो बता देगा, उनसे पूछो घोड़े कितने हैं वो शायद गिन के भी आया होगा या गिन नहीं पाया होगा, घबराहट में लौट कर आ गया। उसको एक चीज मालूम है, ये हमें मारने आए हैं और हम अब बचने वाले नहीं हैं। प्रियो, साधारणतया हमारे जीवन में जब तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमारी प्रतिक्रिया भी यही होती है। आज आप में से बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर हाय 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 कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूं, आप विश्वास वाले बनिए, आप हाय हाय नहीं जय जय करेंगे। देखिए एलिशा क्या कह रहा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। ये हमारी ओर कौन है ये तो उस दास को मालूम ही नहीं है, लेकिन एलिशा को दिखाई देता है। एलिशा विश्वास करता है, एलिशा को पता है कि उसका परमेश्वर उसे अनाथ नहीं छोड़ेगा, उसका परमेश्वर उसे शत्रुओं के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका परमेश्वर उसे अद्भुत तरीके से उन शत्रुओं के ऊपर जय पाने में सहायता करेगा। और वो कहता है मत डर, क्योंकि वो बहुत है, मैं उनको देखता हूं। दास बोलेगा मुझे नहीं दिखाई देता, एलिशा बोलेगा मैं देख रहा हूं एलिशा, लेकिन तेरी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी विश्वास की आंखों से दिखेगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप देखना प्रारंभ कीजिए, अपनी आत्मिक आंखों से देखना प्रारंभ कीजिए उन बातों को जो आपके जीवन में आप आशा करते हैं। आप बीमारी में हैं, आप चंगाई को देखना प्रारंभ कीजिए। आप पिछड़ेपन में हैं, आप उस जय को देखना प्रारंभ कीजिए। आप पराजित होकर मत बैठिए, लेकिन अपनी विजय को देखिए, क्योंकि यहोवा निसी आपको विजय देता है। आप आर्थिक टूटेपन में हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, आप यहोवा ईरे को देखिए, एलिया के परमेश्वर को देखिए, और पौलुस की उस बात को ध्यान रखिए जो पौलुस कहता है, वो भी अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आप देखना प्रारंभ कीजिए, अगर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप देखिए, आप विश्वास कीजिए उस एबनेजर पर और कहिए यहां तक लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आज आप देखिए प्रियों, और देखिए एलिशा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके। और जब परमेश्वर ने उस दास की आंखों को खोला तो पता है उसने क्या देखा, उसने देखा एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। आज आपके और आपके छुटकारे के बीच में सिर्फ विश्वास की कमी है। वो घोड़े और रथ वहां हैं, बस विश्वास से उन्हें क्लेम करना है। आपकी चंगाइयां तो ऑलरेडी कालवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने पूरी कर दी है, बस आपको अपने विश्वास को क्रियान्वित होते हुए देखना है और उस पर भरोसा करना है और ये कहना है मेरे लिए प्रभु ऑलरेडी कर चुका है। हालेलुया। आज ये वचन आपको सांत्वना दे, ये वचन आपको प्रोत्साहन दे, ये वचन आपको जय दे। और जैसा यूहन्ना 4:50 में जब यीशु ने कहा उस राज कर्मचारी से, जा तेरा बेटा जीवित है, वो खुश होकर चला गया वहां से, कुछ नहीं सोचा उसने, बस यीशु की बात पर विश्वास किया। बहन आप बीमार हैं, भाई आप बीमारी की हालत में पड़े हैं, आज मैं आपको इस वचन को आपके लिए भेजना चाहता हूं, यहोवा राफा है, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, आप अपनी चंगाई को अपने शरीर में इसी घड़ी प्रकट होते हुए देखना प्रारंभ कीजिए, अनुभव करना प्रारंभ कीजिए। आपका छुटकारा आपके द्वार पर है, बस आपकी आंखों को प्रभु खोले। जब हागार उसका बेटा मरने पर है, जंगल में है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेटे को एक झाड़ी के पार रखकर वो दूर बैठकर रो रही है,
परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे बेटे के आंसुओं को देखा है और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और उसने एक जल के सोते को अपने पास ही देखा। वो ऑलरेडी परमेश्वर ने प्रबंध कर रखा है। आज कुछ ऐसे प्रबंध जो परमेश्वर ने आपके लिए कर रखे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, उनको आप देखना प्रारंभ कीजिए और परमेश्वर में उस जय को आप हासिल करते जाइए। मैं विश्वास करता हूं आज बहुतों के लिए ये वचन एक आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने और बड़ी जय का कारण बने। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। विश्वास हमें वो दिखाता है जो साधारणतः दिखाई नहीं देता। हमें वो अनुभव करवाता है जो हमें शारीरिक रूप में अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन आत्मिक रूप से हम अनुभव जब करते हैं, हमारा शरीर भी उसकी गवाही देना प्रारंभ करता है। आज बहुत से प्रिय भाई बहन हैं जिन्हें एक छुटकारे की आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता है, उनके जीवन में आपके कार्य की आवश्यकता है, ओ उनके जीवन में शांति की आवश्यकता है, उन्हें विजय की आवश्यकता है, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता के बीच में उन्हें आपके छुटकारे की आवश्यकता है और आप सब कर रहे हैं। मैं देखता हूं प्रभु, आज का ये वचन बहुतों के लिए छुटकारे का कारण हो रहा है और वो भी विश्वास करें और अपने छुटकारों को, चंगाइयों को हासिल करना प्रारंभ करें। धन्यवाद आप ऐसा कर रहे हैं, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इस सेवकाई को सहयोग आप जरूर कीजिए, क्योंकि वचन औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। औरों तक इन वचनों को पहुंचाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को और सामर्थ्य से आप तक पहुंचा सकूं। हैव ए गुड डे, ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।